बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन खटक ब्रदर्स। आज हमारे पास एक GLI फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। इस गाड़ी की तमाम तर कंडीशन, तमाम तर इस गाड़ी की जो इस वक्त मौजूदा कंडीशन है, क्या टचअप है और क्या कुछ गाड़ी की कंडीशन है, इसके हवाले से बात करेंगे आज की इस कम्प्लीट वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक खटक ब्रदर्स को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर इनेबल करें, और मुझसे रब्ता करने के लिए स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट शो हो रहा है। तो बात करते हैं आज की इस गाड़ी के हवाले से। तो बेसिकली ये टोयोटा क्रोला GLI है, जो कि मैनुअल गियर ट्रांसमिशन के साथ है। एक्सटीरियर से गाड़ी बहुत ही आउट क्लास कंडीशन में है। गाड़ी की फ्रंट लाइट्स विद इंडिकेटर्स आपको हैलोजींस लैंप्स में ऑप्शन दिया गया है। उसके अलावा इस गाड़ी के तमाम द डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं। तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओनर के पास मौजूद हैं, कंप्लीट हैं। टैक्स टोकन जो है इस गाड़ी का जो है वो अपडेट है। और अगर बात करें गाड़ी के बैक लाइट्स की, तो बैक लाइट्स विद इंडिकेटर्स का ऑप्शन आपको हैलोजींस में दिया गया है, और फ्रंट गाड़ी में आपको LED के अंदर फॉग लाइट्स भी मिल जाती हैं। उसके अलावा गाड़ी की ट्रंक में आपको माशाल्लाह काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, बूट स्पेस दिया जाता है। उसके अलावा गाड़ी के बैक फेंडर्स हों या फ्रंट फेंडर्स हों, गाड़ी के पिलर्स पे, फेंडर्स पे किसी किस्म के कोई मेजर टचअप नहीं है। आउटर से ये गाड़ी टोटली शावर है अकॉर्डिंग टू ओनर। उसके अलावा इस गाड़ी के एक्सटीरियर में या इंटीरियर में किसी किस्म का कोई माइनर सा इशू भी नहीं है। गाड़ी तमाम तर जो है वो डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के क्लियर हैं, फाइल बुक गाड़ी की अवेलेबल है। अगर गाड़ी की हम साइडों की बात करें, तो गाड़ी में आपको जो है वो अलॉय व्हील्स का ऑप्शन जो है वो नहीं दिया जाता, सिंपल व्हील्स आपको गाड़ी में मिल जाते हैं, और काफ़ी बेहतर कंडीशन में गाड़ी के अंदर आपको टायर दिए जाते हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये गाड़ी आउटर से शावर है, GLI का वेरिएंट है, 2011 का मॉडल है, 11 की गाड़ी लाहौर की रजिस्टर्ड है। साइड मिरर पे आपको टर्न सिग्नल का ऑप्शन दिया गया है, जो कि हैलोजींस के अंदर है, LED के अंदर नहीं है। अगर हम बात करें इस गाड़ी के इंटीरियर के हवाले से, तो गाड़ी के अंदर आपको एडजस्टेबल सीट्स का ऑप्शन दिया गया है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको पावर मिरर्स, मैनुअल डोर्स, मैनुअल गियर ट्रांसमिशन, स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम, एयर कंडीशनर, हीटर, ये तमाम फैसिलिटीज़ आपको इस गाड़ी के अंदर इजीली मिल जाती हैं। उसके अलावा गाड़ी का जो डैशबोर्ड है, माशाल्लाह बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन में है, और इस गाड़ी की बहुत ही मेंटेनेंस की गई है, तभी आपके सामने इतनी शानदार कंडीशन में ये GLI 2011 मॉडल गाड़ी मौजूद है। अगर इस गाड़ी की लोकेशन के हवाले से बात करें, अगर आप इस गाड़ी को परचेस करना चाहते हैं और इस गाड़ी की लोकेशन है साईवाल में, ये गाड़ी इस वक्त अवेलेबल है। मज़ीद डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद, आप ओनर के नंबर से हासिल कर सकते हैं। इस गाड़ी की जो डिमांड है 17,40,000 आस्किंग प्राइस है अकॉर्डिंग टू ओनर, और कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इस गाड़ी को आसानी से परचेज कर सकते हैं 17,40,000। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप तब तक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और किसी ब्रांड या कंपनी की प्रमोशन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल अकाउंट या इंस्टाग्राम मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।